हेलो गाइस, स्वागत है आपका नेहा स्वीट किचन में। ये देखिए, हम लेके आए आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी, मुंह में घुल जाने वाले आइसक्रीम की रेसिपी। बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनती है, सस्ते में बनकर तैयार होती है, बहुत यमी बनती है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है, मैं इसको इस पैन में डाल दूंगी। ये रो मिल्क है गाइस, हमने ये दूध लिया है। मैंने यहाँ पर ये कम से कम 3 से 4 चम्मच दूध है, ये मैंने इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। आपके पास बटर स्कॉच वाला हो तो आप वो डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर, या ये कॉर्नफ्लोर या अरारोट कह लीजिए, या आप एक एक चीज़ बना सकते हैं। अगर आप कस्टर्ड पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच आप कस्टर्ड पाउडर लें, या अगर सिंगल आप कॉर्नफ्लोर का यूज कर रहे हैं तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इनको मिक्स करते हैं अच्छे से। चलिए, जो है अच्छे से बनना शुरू हो गया है। देखिए, मैं इसको सिर्फ 5 मिनट पे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। हमारा दूध अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें हमारा कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड को ऊपर डालते हुए इस तरह से चला लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। हम मिलाते जाइए, जल्दी से चलाते जाइए इसको, वरना ये नीचे बैठ जाएगा और फिर जल जाएगा। डाल देंगे कैरमल सॉस। मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी आपको दी हुई है बिना क्रीम के, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, ये बहुत ही यमी बनता है, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग आधा कप के करीब चीनी, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हो गई हमारे स्पैचुला पे, हम इसको बंद कर देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और ठीक हो जाएगा। गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। चलिए गैस, ये देखिए मैं जो कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है, हम साइड में मैंने यहाँ पर ली है ये व्हिपिंग क्रीम। हम इस बहुत ज़्यादा चिल्ड है, ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। हम इसको अच्छे से बीट कर जो क्रीम हमने अच्छे से विप कर ली है, हम इसको ज़्यादा विप नहीं करेंगे, हल्की सी विप की हमने, गर्मी है ना इसलिए थोड़ी सी और मेल्ट हो। हम आइसक्रीम में डालने वाले हैं, केक पे नहीं सजाने वाले, तो इसलिए इसको इतना ही विप करना है। जो हमें आइसक्रीम का बैटर रखा था वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्या कई बार क्या होता है, हम क्रीम में अगर डाल देंगे तो क्रीम फट जाती है कलर की वजह से, इसलिए हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे, बाद में उसमें मिक्स करेंगे जैसे अच्छे से येलो कलर आए हमारी जो आइसक्रीम है बटर स्कॉच आइसक्रीम का। चलिए हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बहुत ही कम चलाएंगे हम इसको। बस ये अमूल आइसक्रीम का मोल्ड है, ये एक्चुअली है देखिए, ये बटर स्कॉच आइसक्रीम का ही मोल्ड है। चलिए हम इसमें सेट कर लेते हैं। यकीन मानिएगा ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है। कैरेमल क्रंच जो हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम में बहुत ही यम्मी टेस्ट देती है, अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से नीचे तक मिला लेंगे। तो
से डाल देते हैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, जो मुँह में आते हैं बहुत ही हमें लगते हैं इस आइसक्रीम में, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। हम इस पर लगा देंगे फॉल पेपर अटैच करके, इसे क्या है हमारे जो नहीं बनेंगे। हम इसको चलिए और नाइट रख देते हैं हम उसको सब करने के लिए। चलिए गाइस देख लेते हैं अपने आइसक्रीम को, और नाइट हो गया है इसको, ऐसे सेट हो चुकी है। वाह आप ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई हमारी आइसक्रीम, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, देखते हैं। वाह ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हमारी आइसक्रीम, वाह देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनती है। बाहर वाली आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, हम घर में जो आइसक्रीम बनाते हैं गाइस उसको बनाइए इंजॉय करिए। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। नेक्स्ट रेसिपी किस चीज़ की चाहिए आप देख सकते हैं, कितनी यम्मी लग रही है हमारी आइसक्रीम, खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैंने और भी रेसिपीज़ दी आपको, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।